नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आरएसएसएमबी बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मेंस परीक्षा के सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी का पेपर लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर है। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, और देखते हैं फटाफट कौन से आंसर आपने किए हैं। सबने अमूमन जो है वो आंसर देख लिए होंगे इधर उधर सब जगह, लेकिन फिर भी आप मैच करिएगा सब सवालों को और देखने का प्रयास करिए आपके लगभग कितने सवाल सही हो रहे हैं और क्या कुछ आपको लगता है। तो सबसे पहला सवाल है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है। प्रत्येक बच्चा राजस्थान का महाराणा प्रताप को जानता है और बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ता है, तो उसको पता है कि बांडोली जो है यहाँ पर महाराणा प्रताप की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। इसके बाद में अगला सवाल आपके सामने है कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, उसमें राजस्थान का कौन सा जिला है। उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जो है अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो राजस्थान का झुंझुनू जिला जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है आपके सामने, राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः भीड़ पाए जाते हैं। तो चंबल के भीड़ सबको प्रसिद्ध है और चंबल के डाकू जो इन भीड़ों में रहते हैं वो भी बड़े प्रसिद्ध है, ये आपको देखना है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में मेरे दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है, अधिकतम यहाँ पर जनसंख्या जो है वो जयपुर की है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो भी जयपुर का है, ठीक है। तो इसमें न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो बाड़मेर की दे रखी है, जबकि आपको बता रखिए ये जालौर जो है जहां से पेपर की शुरुआत हुई थी पिछले दिनों, तो जालौर की साक्षरता जो है वो सबसे कम है। यहाँ पर है लाठी श्रेणी में संबंधित है, लाठी जो है वो एक जल श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी जल श्रेणी के अंतर्गत किसको गिना जाता है, लाठी श्रेणी को गिना जाता है। इसके बाद में है विलारा चूना पत्थर जो है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर ये श्री गंगानगर जिले से संबंधित है। चूना पत्थर जो है बिलाड़ा जो है ये बिलाड़ा लाइमस्टोन एरिया जो है वो किससे संबंधित है। बिलाड़ा, तो बिलाड़ा एक जोधपुर में भी है, आप सबको पता होगा बिलाड़ा कहां पर है, जोधपुर में भी है। तो यहां पर दे रखा है कि बिलाड़ा चूना पत्थर क्षेत्र कहां से संबंधित नहीं है। अब ये नहीं दे रखा है इसका मतलब जोधपुर भी है, बीकानेर भी है और नागौर भी है, लेकिन गंगानगर क्षेत्र जो है इस लाइमस्टोन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद अगले कुछ सवालों की अगर बात करें तो क्या है अगला, देखिए जरा 7 नंबर सवाल यहां पर आपके सामने है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़क, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों घाटियों में फैली हुई है। तो बैराट नहीं है, देखिए गणेश्वर नहीं है, कालीबंगा नहीं, और आहाड़ सभ्यता जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत फैली हुई है। यहां पर अगला आपके सामने है डामोर जनजाति जो है वो राजस्थान के मुख्यतः आपको पता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का क्षेत्र जो है यहां पर डामोर जनजाति पाई जाती है, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसके बाद में अगर कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति की बात अमर करें कि कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति इनमें से कौन सी नहीं है, तो आप क्या करोगे जरा ये समझना है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया जो है इसकी काव्य कृति नहीं है, मायड रोहेलो, मिंजर, सोन मिलगर और लील डांस। तो ये लील डांस भी है, मायड रोहेलो भी है, मिंजर भी है, लेकिन ये सोन मिर्गला जो है ये इसकी रचना नहीं है। इसके बाद में अगर बात करें 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा उसका नाम अमलानंद घोष है। आपको पता है अमल काला होता है और कालीबंगा सभ्यता से ये संबंधित है, ठीक है सर। इसके बाद में चरण दास जी की समाधि कहां पर स्थित है। चरण दास जी की समाधि जो है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, कहां है, दिल्ली में। इसके बाद में झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है, तो झालावाड़ क्षेत्र जो है, झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है, ये हाड़ोती वाला क्षेत्र पूरा है, इसमें हाड़ोती जो है वो बोली जाती है, अच्छा। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगला है रिडकोर जो संस्था है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो अक्टूबर 2004 के अंतर्गत रिडकोर नाम की संस्था, देखिए राजस्थान में रिडकोर भी संचालित है, और इसके अलावा मेरे दोस्तों पिछले दिनों रिड जो संस्था है इसके नाम से भी एक संस्था की स्थापना की गई थी, तो रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में राजस्थान में की गई। इसके बाद में अगले सवालों की अगर बात करें हम, तो यहां पर है राजस्थान के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ले जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में दजिया नाम की कृषि जो है वो की जाती है, और वैसे भी आदिवासी क्षेत्रों में कई प्रकार की कृषियां होती है।
बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो जैमल और फत्ता की मूर्ति जो है वो वहां पर जूनागढ़ किले के आगे अगर आप गए हो तो कभी देख सकते हो। अकवाली जो निशेष के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए अकावली क्षेत्र जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अकावली जो क्षेत्र है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था? 1585 में किसके साथ विवाह किया था? तो भगवान दास जो है इसकी पुत्री से विवाह यहां पर हुआ। तो जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम के साथ किया? एक आपके पास है भगवान दास, ठीक है। देखिए भारमल ने भी किया अपनी पुत्री का विवाह, लेकिन उसके बाद भगवान दास भी, भगवान दास और भारमल दोनों ने अपनी बेटियों का विवाह जो है वो शाही खानदान में किया था, ऐसा आपको पता होगा। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यही छतरपुर जो नागौर है वो चौहानों की क्या थी? शाही राजधानी थी, ऐसा आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? पुंगी जो है सपेरे बजाते हैं और उसके माध्यम से अगर सपेरा डांस भी कभी अगर आपने देखा होगा तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो बजाते हैं उसको पुंगी कहते हैं, ठीक है सर, ये तो समझ में आ ही रहा है। इसके बाद अगली बातचीत हम करें अगले सवाल पर, तो जरा देखो क्या है यहाँ पर। यह है बेवाण कला संबंधित है, बेवाण काष्ठ कला से संबंधित है, वो खुलती है तो अलग अलग दरवाजे उसके होते हैं, तो बेवाण इस प्रकार की बनी हुई होती है जिसमें देवी देवताओं के चित्र भी इत्यादि भी कई आपने देखे होंगे। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो जांबू जी जो है इन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा प्राप्त की थी। संघरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो है वो किस क्षेत्र से नहीं गुजरता है? अब की बार पेपर सेटर ने थोड़ा तरीका घुमाया है, अब ये नहीं पूछ रहा है कि संघरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजर रहा है, वो पूछ रहा है नहीं जा रहा वो कौन सा है। तो बाड़मेर बीकानेर और श्रीगंगानगर से जाता लेकिन जैसलमेर से नहीं जाता। मालवी जो है वो रांगड़ी इसकी उपबोली है, ये ध्यान रखना। मालवीरी उपबोली कौन सी है? तो रांगड़ी है। वे कौन सी कवि है? जगारी भगित्र चमत्कार रो वजह सु लोग थाने परमेश्वर रे समान वातावरण लागे है। तो भारत ईश्वरदास जो है उसको परमेश्वर के नाम से यहाँ पर राजस्थान में क्या किया जाता है? पूजा जाता है, ठीक है। हाँ जी चलिए इसके बाद में अगला देखें। तो राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर जो वो 43 किलोमीटर का है, कई बार ये सवाल पहले रिपीट हो चुका है। 5 जनवरी 1919 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? बंबई प्रांत को सौंपा था, आपको ऐसा पता होगा। बाद में एकीकरण के बाद राजस्थान में इसको शामिल किया गया। राजस्थान की भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जन्म कठे हुए, तो डूंगरपुर में गौरीबाई से संबंधित है, ये आपको पता है। वागड़ की मीरा के नाम से भी मशहूर हुई, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो चलिए 27 के बाद में हम बात करें 28 के नाम से। यहाँ है आपका यालदा सिरोही के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? बालदा है वैसे ये, यहाँ पर यालदा लिखा गया। बालदा सिरोही जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए ये प्रसिद्ध है क्षेत्र। किसके लिए? टंगस्टन के लिए ये क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है सर, हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पर इसके बाद में लिखा हुआ निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा आखा तीज के दिन आता है, जिस दिन बीकानेर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ऐसा भी आपको पता होगा, ठीक है सर। यहाँ पर 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को किसने परास्त किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने उस समय मारवाड़ की जो सेना थी उसको परास्त किया था। विजय शाही एक प्रकार का सिक्का है या पगड़ी है या जूती है, क्या है? तो विजय शाही एक प्रकार की पगड़ी भी है और विजय शाही नाम के झारशाही नाम के इसके सिक्के भी राजस्थान में संचालित थे। बाप होल्डर जोधपुर में कई बार रिपीट हो चुका है। बाप होल्डर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर में है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, तो 4 जिले स्थित है जिसमें जोधपुर स्थित नहीं है। जोधपुर की किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार की सीमा स्पर्श नहीं होती है, ठीक है सर। इसके बाद में सवाल है 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर आपको बप्पा रावल जो है वो नजर आ रहा होगा, बप्पा रायल लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन ये बप्पा रावल है जिसने एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण किया और एक लिंग जी को दीवान मानकर ये जो मेवाड़ के शासक थे वो शासन करते थे और एक लिंग जी की बड़ी मान्यता है मेवाड़ क्षेत्र में आज भी। तो यहाँ पर है चंदनयाला रास कावेरी दीठ, ये किसकी रचना है ऐसा यहाँ पर लिखा है? तो ये खंड काव्य है मेरे दोस्तों, चंदनयाला रास, ये क्या है, एक किस प्रकार की रचना है? चंदनयाला, तो यहाँ पर चंदन माला है या, ठीक है, ये रास जो है वो काव्य की किस रचना के अंतर्गत आता है? तो खंड काव्य में इसको शामिल किया जाता है। राजस्थान के अधिवक्ता
यानी राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जो हैं वो जिले कौन से हैं, सोयाबीन उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक किन जिलों में किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सोयाबीन जो है वो राजस्थान के कोटा बूंदी और बारां क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। विरुद्ध छतहरी रचनाकार रो नाम का ही है, विरुद्ध छतहरी ही जो है तो दूसरा आडा की रचना है, विरुद्ध छतहरी आप सभी जानते होंगे विरुद्ध छतहरी के बारे में, ठीक है जी सर। इसके बाद में 2021 और 22 के अनुसार यहां पर लिखा वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी की गई जो रिपोर्ट है 2021-22 की, उसके अनुसार राज्य में जो श्रेणी का सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो राजस्थान में आपको पता है संरक्षित है, आरक्षित है और रक्षित है। तो इस प्रकार आपको सभी बातों का पता चलने के बाद इसका सही जवाब जो है वो रक्षित या संरक्षित जो है वो आपका सही उत्तर है। राजस्थानी लोक में पहेली ने काय कवे है वो पूछोगे, राजस्थानी लोक में पहेली ने कदे काय कवे, तो इसका सही जवाब क्या है, टपुकड़ा नहीं है, ओडो इसका सही आंसर है, आड़ो। यहां लिखा है मेवाड़ चित्रकला शैली का जो सबसे अधिक काल माना जाता है या किससे संबंधित माना जाता है, ये प्रतिक्रमण चित्र सुरणी जो है इसके बारे में यहां पर सही लिखा है, मेवाड़ चित्रकला शैली जो है इसमें सबसे ज्यादा सही कौन सा जवाब है, तो यहां पर ये प्रतिक्रमण श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इसका राइट आंसर है जी। 18वीं सदी में बप्पा रावल जी, 8वीं शताब्दी है उसको गलती से लिखा गया 18वीं शताब्दी, वो 18वीं शताब्दी नहीं है, बप्पा रावल वाले सवाल में आप कह रहे हैं सही बात है ये, क्योंकि बप्पा रावल 7वीं और 8वीं शताब्दी से संबंधित है लेकिन 18वीं शताब्दी पेपर सेटर से गलती है, ऐसा ट्रांसलेशन में कई सवालों में गलती है, ये आपने देखा भी होगा बहुत सारे सवालों में गलतियां हैं। आप बप्पा रावल वाले कह रहे हो, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, ठीक है। तो ये 18वीं शताब्दी गलती से लिखा गया है, तो सवाल को डिलीट भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बात आपने बतानी थी वो बता दी बस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में बताता है, तो 243A ग्राम सभा के बारे में बताता है भैया। इसके बाद में है सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया, तो 1961 में जो है वो सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट जो है वो क्या किया गया था, आरंभ किया गया, तो 1961 इसका सही जवाब। इसके बाद में है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक हेतु कार्य दिवस, तो आपको पता है 200 कार्य दिवस में कितने 800 घंटे का अध्ययन होना चाहिए, यानी कक्षा 1 से 5 तक होना चाहिए 200 और 800 घंटे, और उसके बाद जो है वो 6 से 8 तक जो है, हाँ ये 8वीं शताब्दी आपको बता दी है मैंने, ठीक है। वो ये 200 कार्य दिवस 800 घंटे और इससे बड़ी कक्षाएं अगर हैं तो 210 और 1000 घंटे इसमें उस समय सही होगा। फिर है ददरेवा गोगाजी से संबंधित है, गोगाजी महाराज की जय हो, ठीक है भाई। यहां पर है जोधपुर में आईटी जॉब फेयर, देखिए राजस्थान में आईटी जॉब फेयर का क्रम से आयोजन किया गया, लेकिन इनको अभी तक राजस्थान में सिर्फ एक जगह आईटी जॉब फेयर का आयोजन किया गया, वो राजस्थान का जोधपुर। जोधपुर में नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री खुद वहां गए थे उद्घाटन समय में, तो 11 से लेकर के 13 नवंबर 2022 तक राजस्थान में आईटी जॉब फेयर का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, ये आपको पढ़ाया गया करंट अफेयर्स के। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना लगातार परीक्षा में वो पूछ रहा है, अभी आरपीएससी ने भी बहुत शानदार सवाल इस पर पूछा था और एक बार फिर सवाल आया है राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस योजना पर, ये एक फ्लैगशिप योजना है। और यहां पर ये जरा सुनिएगा, यहां लिखा हुआ राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2 अक्टूबर 2021 से आरंभ की गई, गलत बात है ना, अगस्त 2021 से इस योजना को आरंभ किया, हालांकि कई जगह 20 अगस्त एग्जैक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप 20 अगस्त भी नहीं मानो तो 2 अक्टूबर तारीख तो नहीं है इसकी, समझ गए मेरी बात। तो यहां पर 2 अक्टूबर 2021 जो है वो गलत है, 2021 तो वर्ष लिखता सही है, ये अगस्त 2021 इसका सही जवाब होता, लेकिन ये गलत है पहला कथन। योजना का उद्देश्य, और कई जगह आप 20 अक्टूबर भी पढ़ते हो, कई जगह 20 अक्टूबर भी लिखा हुआ है बहुत सारी जगह, लेकिन इसका मतलब 2 अक्टूबर तो इसका सही उत्तर नहीं है। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ये सही है। जिस परिवार की आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम है, 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए है और 25 लाख रुपए से अधिक है, तो इन तीनों कैटेगरियों के बच्चे को जो शिक्षण संस्थान का जो शिक्षा का खर्चा आता है, ट्यूशन फीस आती है, वो 100% छूट दी जाती है, बल्कि अन्य खर्चों में जिसके 8 लाख से कम है उसको 100%, 8 लाख से 25 लाख है उसको कितनी छूट दी जाती है, उसको 50% छूट दी जाती है, और 25 लाख से अधिक वाला है उसको अन्य खर्चों में कोई छूट नहीं दी जाती है, लेकिन जो ट्यूशन फीस है वो 100% फ्री होती है विदेश में शिक्षा के लिए। राजस्थान में पहले 200 छात्रों को विदेश में शिक्षा के लिए भेजा जाता था, इस बार का जो बजट है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनकी संख्या को क्या कर दिया, बढ़ाकर 200 से 500 कर दिया है,
चलिए अगले सवाल। तो इसका मतलब है ए नंबर गलत है, दो नंबर सही है। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचना अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को 10 लाख रुपए तक का अगर ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5% की ब्याज दर जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना यहां पर क्या लिख रखा है कि ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है 5% की दर से, ये ध्यान रखना है। चलिए सर अगली बात करते हैं। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो बांसवाड़ा में अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। पढ़ना लिखना अभियान के न्यूनतम आयु जो है वो 15 वर्ष है भैया, पढ़ना लिखना अभियान जो उसमें न्यूनतम जो है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 15 वर्ष न्यूनतम आयु इसमें डिसाइड की गई है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है यहां पर, ये बहुत ही शानदार बहुत ही खतरनाक ये सवाल बहुत ही अच्छा पूछा इसने, और शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ईओआरओ की भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके सिलेबस में ये सवाल है, वो याद रख लेना। निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र हैं? तो इंदिरा गांधी जो नाम पर चलाएगी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और इस ऋण योजना के अंतर्गत ध्यान रखना है हेयर ड्रेस, जैसे वैसे तो लिखा गया सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स जो गांव मोहल्ले में कम आय वाले शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत फिर हेयर ड्रेसर है, दर्जी है, प्लम्बर है, और सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर है, ये सभी इसके सही जवाब है। और ध्यान रखना अगली परीक्षा में कभी भी सवाल आ सकता है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र व्यक्तियों की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी युवा है उसको इतना ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई है। भारतीय संविधान में शिक्षा, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। मिशन बुनियाद 5 सितंबर 2022 को राजस्थान में डिजिटल शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। 5 सितंबर 2022 राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी ने इसको शुरू करवाया था, ठीक है सर। इसके बाद में चंदेरिया जिंक स्मेल्टर जो है वो आपको पता है जस्ता यहां पर सही जवाब है इसका, चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बाद में कुरझा, कुरझा पक्षी आपको पता है शुभंकर जोधपुर का है, जोधपुर का शुभंकर क्या है, कुरझा है। इसके बाद में अगली बात चीज करें तो राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी केसरी चंद मालू का संबंध राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू जिले से संबंधित है, केसरी चंद मालू, और वो संगीत से संबंधित है, यानी कि वीणा कैसेट जो है उस वीणा कैसेट के संरक्षक के तौर पर वो काम करते हैं। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार विजेता केसी मालू जो है वो संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब आपको करंट अफेयर्स के सवाल भी अगर याद करने हैं तो बहुत गहराई में चीजों को पढ़ना होगा। डाइट का पूरा नाम पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका सही नाम है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। किस जिले में ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है? राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंधन करने वाले कुल 22 प्रांतों में से 3 प्रांत ऐसे थे जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जहां पर क्या थे भैया, लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। निम्न में से कौन सा द्रोणाचार्य पुरस्कार देखिए अनूप कुमार, सागरमल धायल और वीरेंद्र पुनिया को दिया गया, लेकिन अभी तक महेंद्र सिंह नाम के किसी भी व्यक्ति को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार राजस्थान में नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि भैया 2 रुपए अनुदान देती थी सरकार, अब सरकार ने 3 रुपए अनुदान पिछली बार बढ़ा दिया है, और अब अनुदान जो वो टोटल कितना कर दिया गया है, 5 रुपए अनुदान जो है इस योजना के अंतर्गत कर दिया गया मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में। बाल मित्र योजना जो है इसमें जो भी लैंगिक उत्पीड़न बच्चे हैं उन लैंगिक उत्पीड़ित बच्चों की सहायता करने के लिए राजस्थान के अंदर बाल मित्र योजना संचालित है, तो बाल मित्र योजना किससे संबंधित है यह सवाल पूछा गया है। चलिए जी अगली बात करते हैं सर, अगला सवाल क्या है जरा देखो। अगला है आरटी की धारा 14 किसको सुनिश्चित करती है? किसी बालक की आयु जो है वो संवृत होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, विद्यालय उसके प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता आयु संबंधी अगर कोई इश्यू आता है तो। उसके बाद में है मेरे मित्रों यहां पर है पब्लिक स्कूल की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो आवासीय विद्यालय पब्लिक विद्यालय होते हैं, सुविधा युक्त होते हैं, किशोरों के व्यक्तित्व तो विकास पर ध्यान देते हैं, ये सभी गुण एक पब्लिक स्कूल में होते हैं। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व जो है वो केंद्र सरकार का है, ऐसा यहां पर लिखा गया है। इसके बाद में इंदिरा रसोई योजना का संकल्प एक है कोई भी भूखा नाश हो, इस मिशन के साथ 20 अगस्त को राजस्थान में यह योजना क्या की गई थी, शुरू की गई थी। हाँ जी,
ये आपको याद करना है। राजस्थान के अंदर इस प्रकार की योजना कोई भी भूखा ना सोए, 20 अगस्त 2020 को राजस्थान में योजना संचालित की गई और वर्तमान में सरकार ने 1000 इंदिरा रसोईयां कर दी है और अब आने वाली चीजें जो है उनमें इंदिरा रसोईयां गांव में भी खोली जाएगी, ऐसा बजट 2023-24 में घोषित किया गया है। अगली बात करें तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था मेरे मित्रों उसके अंतर्गत तीन प्रकार की नगर पालिकाओं की बातचीत की गई है ना। 2009 का अधिनियम भी अगर आपने पढ़ा है तो भी पहले 74वां अधिनियम ये जो संविधान संशोधन है वो पढ़ना चाहिए और इसमें तीन प्रकार की नगर पालिकाओं का उल्लेख है जिसमें एक नगर निगम है, एक नगर परिषद है और एक सबसे नीचे स्तर का जो होता है वो नगर पंचायत होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर नगर पंचायत भी होती है, नगर निगम भी होती है, नगर परिषद भी होता है, लेकिन टाउन एरिया समिति जो है 74वें संविधान संशोधन में दिए गए किसी भी प्रकार की नगर पालिकाओं में शामिल नहीं है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। यहां लिखा गया गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जाती है, तो क्यूरोस की वो धारा जो है उससे की जा सकती है। देखो गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं दो प्रकार की धाराएं हम लोग पढ़ते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम धारा जो है एक गर्म प्रकार की धारा है और आपको मिलती जुलती धारा पूछिए तो क्यूरोस की वो धारा इसका सही जवाब होगा। एओ हयूम के बारे में सब जानते हैं, सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक था। और इसके बाद में है निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है वो जर्मनी से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और संवृत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संवृत्ति सूची कहां से, ऑस्ट्रेलिया से संवृत्ति सूची ली गई है, ठीक है सर। इसके बाद में भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, तो 14 राष्ट्रीय दल भारत में उस समय पहले चुनाव जो हुए उस चुनाव में भाग लिए थे, ठीक है सर। इसके बाद में सुमेलित आपको करना है तो इसमें ऋग्वेद जो है वो ऐत्रेय से संबंधित है, यहां पर एक तरफ आपको ऋग्वेद दिया है एक तरफ उसके उपनिषद दिए गए हैं। सामवेद जो है वो पंचविद, यजुर्वेद सतपथ और अथर्ववेद जो है वो गोपथ, इस प्रकार के इन सभी को आपको आपस में क्या करना था, मैच करना था, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही जवाब है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मालदेव के बीच हुआ था, है ना, तो आप लोग समझते होंगे जनवरी 1544 इसका सही जवाब है। यहां पर है पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है भाई, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था वर्तमान में वहां अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इसके बाद में मेरे दोस्तों यहां पर कौन सा कथन असत्य है, यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। सही बात है, अंतिम 6 माह अगर चुनाव होने में बचे हैं तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होगा, सही बात है, पहली बैठक से 5 वर्ष तक का कार्यकाल इसका रहेगा। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे, सही बात है, चुनाव संपन्न कराने होंगे 6 माह पूर्व। लेकिन यहाँ लिखा है शीघ्र विघटन के बाद नव गठित पंचायत 5 वर्ष के लिए नहीं शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए ही क्या करेगी, काम करेगी। फिर है अकबर का जो जन्म है किस स्थान पर हुआ, तो अमरकोट में अकबर का क्या होता है, जन्म होता है अमरकोट, है ना। चलिए इसके बाद में अगली बात आपके सामने है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री अमृता कौर थी, ये सवाल घुमा फिराकर हर परीक्षा में वो पूछ रहा है, अभी रीट के सभी पारियों में सवाल आ रहा है, यानी भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो है अमृता कौर थी। इसके बाद में है आपको इनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, देखिए सरकारी आयोग पूंजी आयोग जो हमारे राज्यपाल की व्यवस्था है उस राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में सुधार के संदर्भ में जो सिफारिश करने वाले आयोग थे जिसमें सरकारी आयोग पूंजी आयोग राजमन्नार आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग आनंदपुर साहिब जो आयोग थे ये सब के सब आयोग का क्रम आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग आया पहला, उसके बाद में राजमन्नार आयोग आता है, उसके बाद में मेरे दोस्तों आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आता है, फिर सरकारी आयोग और अंतिम जो है इसके हिसाब से वो पूंछी आयोग है। इसमें 2, 4, 5, 1, 3 इसका सही जवाब है। इसके बाद में निम्न में से कौन से क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों से प्रशासक होते हैं, केंद्र सरकार के गृह मंत्री होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होते हैं, तो ये सब आपको क्षेत्रीय परिषद के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद में 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ठीक बात है सर। इसके बाद में किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी, 6ठी जो लोकसभा थी उसमें सबसे कम महिलाएं क्या की गई थी, निर्वाचित की गई थी, ठीक है सर। इसके बाद मित्रों अगला सवाल है, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, संघीय कार्यपालिका का सदस्य प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल,
राष्ट्रपति, भारत के महान न्यायवादी, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, दो संघीय कार्यपालिका का सदस्य सीएजी नहीं होता, वो वहां पर बैठक में कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है वैसे सीएजी, आपको पता है, लेकिन संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मत का अधिकार का प्रयोग, ये सब आपने पढ़े होंगे। अशोक का रानी का अभिलेख प्रयाग जो है वहां से, यानी इलाहाबाद जो है यहां से रानी का अभिलेख जो है वो अशोक के रानी के अभिलेख जो है वो मिला है। इसके बाद में यहां पर देखा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है, भारतीयों को है लेकिन विदेश को नहीं है, तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निबंध, ठीक है, ये भारतीयों को तो प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त ऐसा अधिकार नहीं है। इसके बाद अगली बातचीत अगर करें, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन के बाद जोड़ा गया, तो आपको पता है मूल कर्तव्य जो है वो किस संविधान संशोधन के बारे में जोड़ा गया, और यहां पर इनमें से कौन सा जोड़ा गया, तो पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का क्या करना, रक्षा करना। यहां से हर परीक्षा में सवाल आ रहा है, पिछली इतनी परीक्षा यहां देख लो, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, वहां पर घुमा फिरा कर यहां से कोई ना कोई सवाल वो देता ही देता है, तो ये सवाल का जवाब यही होगा जो आपको बताया। चलिए सर आगे बताइए। इसके बाद में अगला सवाल है आपके सामने 85 नंबर, संविधान सभा में बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता के रूप में समिति का गठन जो है वो कब किया गया था, बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को एक समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद में है 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई ले ली थी, तो पृथ्वीराज चौहान, ये सब जानते हैं आप लोग। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो दी इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। ढाई दिन का झोंपड़ा जो है वो अजमेर में है, आप सब जानते हैं ये बात। इसके बाद में यहां पर लिखा है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो आपने बेरुबारी वाद का नाम सुना होगा, बेरुबारी वाद जो है वो आपको याद करना है कि उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद के वादों में स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना भी संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है, ये भी प्रस्तावना के मूल जो अधिकार या मूल ढांचे का जो सिद्धांत आया बाद में, उस केशवानंद भारती वाद को भी अगर याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मूलभूत आधार भी बाद में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है भैया। इसके बाद में बेरुबारी होने के बाद अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है नर्तकों की कांस्य मूर्ति निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जो है वो यहां से प्राप्त हुई है। अगर बात करें महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो है ये सिद्धांत जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में ये कारक उत्तरदायी नहीं है, ऐसा याद करना है। यहां पर है छावनी बोर्ड प्रशासित केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है या केंद्र सरकार का रक्षा मंत्रालय जो है उस रक्षा मंत्रालय के द्वारा छावनी बोर्ड जो है वो क्या किए जाते हैं, प्रशासित किए जाते हैं। अशोक का शाहबाद गढ़ी और मान सेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में लिखे गए। अशोक का शाहबाद गढ़ी और मान सेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है, ठीक है सर। इसके बाद निम्न में से महाजनपद में से जो चंपा है, चंपा के अंग, तो चंपा को याद करो अंग के साथ, चंपा के अंग, तो चंपा अंग आपको याद हो जाएगा, ठीक है। महाजनपद काल में जो अंग जनपद है उसकी राजधानी या चंपा किसकी राजधानी रही है, तो अंग जनपद की राजधानी रही है। यहां पर धन विधेयक से संबंधित एक सवाल पूछा गया कि धन विधेयक में राष्ट्रपति के पास कौन से इनमें से पावर मौजूद नहीं है, तो देखिए अनुमति दे सकता है धन विधेयक को राष्ट्रपति, सही बात है, और अनुमति को रोक भी सकता है, लेकिन वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, तो इसमें थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है, और संशोधन की सिफारिश कर सकता है। देखिए जब पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता तो संशोधन तो कैसे कर सकता, ठीक है ना, तो ये दोनों कथन गलत हैं। यहां पूछा है मौजूद नहीं है, तो वो दो ही बात है, सिर्फ अनुमति दे सकता है या अनुमति को रोक सकता है, ये दोनों कथन इसमें गलत है, ये आपको ध्यान रखना है, तो यहां थर्ड और फोर्थ इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद में मेरे दोस्तों है उपभोक्ता आयोग से संबंधित सवाल, यहाँ लिखा राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तु एवं सेवाओं के 10 करोड़ रुपए तक की अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, सही है, राष्ट्रीय पर 10 करोड़ से अधिक के देखे जाते हैं और राज्य पर जो है वो 2 करोड़ रुपए से अधिक के मामले देखे जाते हैं, 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में 3 स्तर की जो तंत्र स्थापित है वो किया गया था, ये भी सही है, जिसमें आपका जिला स्तर है, राज्य स्तर है और राष्ट्रीय स्तर है, इन तीनों पर ऐसा किया गया था, ठीक है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। सही बात है भैया। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। ना जी, 50 लाख रुपए तक के मामले जो है वो जिला स्तर पर देखे जाते हैं। 50 लाख से अधिक है तो कहां जाता है, 2 करोड़ तक का अगर कोई भी मामला है तो वो जिले पर जाता है, और 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक या इससे अधिक की राशि है तो वो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पास या उपभोक्ता कार्यालय के पास जाता है। राजस्थान में मूंगफली जो है वो बीकानेर क्षेत्र में और मंडी बीकानेर के अंदर है। इसके बाद में निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क, तो आपको पता है तिवरी जोधपुर जो है, तिवरी जोधपुर में पहला स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया था राजस्थान के अंतर्गत। अगली बात अगर करें मित्रों तो ये है कि यहाँ पर कौन सा अन्न है, ये भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जरा देखते हैं इधर क्या है अन्न का मामला। ये लिखा है कि अन्न उत्पादक क्षेत्र में सम्मिलित इनमें से कौन सा प्रदेश है, ठीक है, कंपास है, स्टेपी है, पंपेरी है और पंपास है, ये कौन सा क्षेत्र जो है वो अन्न उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर पंपास जो है वो प्रदेश अन्न उत्पादन के क्षेत्र में, व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो कंपास इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में शिकागो जो है वो किस झील के किनारे पर, ऐसा पूछा गया है। शिकागो में आपको पता है मांस मंडी भी स्थित है, तो यहाँ पर मिशिगन झील के किनारे पर ये शिकागो जो शहर है वो स्थित है यहाँ पर, और ये शिकागो जो शहर है मेरे दोस्तों यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में आप सब जानते होंगे। भारत में 2020-21 के सकल जोड़े गए चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश जो है वो 26.8% है। 26.8% औद्योगिक क्षेत्र का जो एरिया है वो इसमें डिसाइड किया गया है। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया राजस्थान में। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है, केरल है, ऐसा आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों केला का उत्पादन जो है वो कहाँ पर किया जाता है, मध्य अमेरिका में केला उत्पादन होता है। फिर गन्ने का उत्पादन जो है वो क्यूबा में किया जाता है, इसीलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। फिर जो चाय है इसका श्रीलंका में उत्पादन होता है, और रबड़ जो है वो मलेशिया में उत्पादन किया जाता है। यानी कि 4, 2, 1, 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कल का पेपर लीक हुआ है ना सर, अब भाई क्या कहें हम, तो सरकार ने दे दी सफाई, जो सरकार ने कहा है आपको वही मानना पड़ेगा, जब तक वो नहीं मानेगी कुछ भी करो। तो यहाँ पर समुद्र की सतह पर औसत वायु दाब कितना दर्ज किया जाता है, तो यहाँ पर 1013.25 MBPM जो है वो समुद्र की सतह पर यहाँ पर दाब ग्रहण किया जाता है या माना जाता है। सरकार द्वारा लाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। भाई सरकार ने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं व्यापार पर, विदेशी व्यापार पर या फिर मार्केट पर, उन सब प्रतिबंधों को सरकार हटा लेती है तो उसे उदारीकरण कहते हैं, और भारत में भी उदारीकरण का एक लंबा दौर चला है, आपको पता होगा इस बात का। इसके बाद में मित्रों क्या है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जो है वो यूएसए में स्थित है, न्यू इंग्लैंड। इसमें उष्ण कटिबंधीय की स्थायी पवन कौन सी है, तो व्यापारिक पवने जो है उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवनों के नाम से जानी जाती है। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका वे विधि है। देखिए इसकी अलग अलग विधियां हैं भैया, कोई व्यय विधि है, कोई आय विधि है, कोई उत्पाद विधि है, लेकिन ये पूछ रहा है कि उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की एक वैकल्पिक विधि जो है वो कौन सी है, व्यय विधि इसके अंतर्गत आई है। फिर दिसंबर 2019-22 में राजस्थान में अब तक स्वयं सहायता समूह की संख्या सर्वाधिक किस जिले में, तो राजस्थान का चुरू जिला वो जिला है जहां पर क्या है सर्वाधिक संख्या में स्वयं सहायता समूह है। पिछले दिनों करंट अफेयर्स में ये खूब चर्चा में चला था, राजस्थान की जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह भी चलाती है, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आय हासिल करने के मामले में भी चुरू जिला कहीं पीछे नहीं है। इसके बाद सर क्या है आगे बताओ, अगली बात है पॉवर्टी एंड अर्ली ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक कई बार आ चुकी है, दादा भाई नौरोजी की है, और पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम इन्होंने किया था। 2020-21 में चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति अगर राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य बात करें तो देखिए सही उत्तर तो इसका तेलंगाना है, लेकिन तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा करना पड़ेगा, तो तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य महाराष्ट्र है जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य तो तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य जो है वो महाराष्ट्र, तो इसमें महाराष्ट्र सही जवाब होगा। अगर आपने गोवा तमिलनाडु इनमें से कुछ किया तो गलत जवाब है। यहाँ पर है खमसीन पवन जो वो डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है, और ये गिनी के तट जो है वो वहां पर चलती है। इसके बाद में आप जो है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में अगर बात करें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है
वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास होता है, या फिर साधन लागत पर यानी फैक्टर कॉस्ट पर जो है वो आपकी क्या है एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो नेशनल इनकम के बराबर होती है। ये अगर आपने थोड़े बहुत फॉर्मूले रट रखे हैं तो आपको आ जाएगा सवाल, ठीक है। हाँ जी, बिंदास बोए, आपकी बात सुन लीजिए सर, कटो कटो भी बात करेंगे। भैंस पानी में जा रही है, किसकी जा रही है भाई, है ना, किसकी भैंस पानी में चरने जा रही है, पानी में नहीं चरानी है भैंस को, भैंस को जिंदा रखना है। इधर देखो, कृषि के प्रकार और नदी बेसिन कौन कौन से हैं, जरा उनका मिलान करिएगा। यहां पर एक गहन कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, व्यापारीकरण और स्थानांतरणीय कृषि जो है उसके बारे में बात करें, तो गहन कृषि जो है वो गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत कम क्षेत्र में अधिक प्रकार की फसलों को उगाना, ऐसा इसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए भूमध्य सागरीय कृषि, तो भूमध्य सागरीय जो है वो सांताना नदी बेसिन जो उसके अंतर्गत है। व्यापारीकरण जो है वो मरे और डार्लिंग नदियों के क्षेत्र में उत्पादित होता है। और स्थानांतरीय कृषि आप सब लोग जानते हैं कि कांगो बेसिन के अंतर्गत भी स्थानांतरीय कृषि, जैसे राजस्थान में स्थानांतरित कृषि की जाती है, ठीक उसी प्रकार भी यहाँ पर हो जाती है। जी इसके बाद में अगर बात करें भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित किस प्रदेश की जाती है, तो कैलिफोर्निया जो प्रदेश है वहां भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि जो है वो की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान जो है वो 8.2% है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर पूछ रहा है पिछले वर्ष की बजाय, तो 8.2% उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। हाँ जी चलिए, इसके बाद में अगली बात और करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो देखिए भैया 27 दिन 7 घंटे के आसपास का समय इसमें लगता है, 27 दिन 7 घंटे के आसपास का समय लगता है। तो इसमें दोनों बातें लिख रखी है, इसमें 27 दिन भी लिख रखा है, 29 दिन भी, 29.5 भी और 27.5 भी। तो 27 दिन और 7 घंटे से कुछ ज्यादा समय इसमें लगता है, तो इसका 27.5 जो है वो सही आंसर मानना है, ठीक है। हाँ जी चलिए, गुरुकुल से बुक मंगवाई, डाक वाला घर से 15 किलोमीटर दूर रख गया, बोले जी। चलिए अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, नए कामों का सृजन होता है वैश्वीकरण से, नए उत्पादों की नई कीमतें बढ़ती है, सही बात है, कई उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है, जब वैश्वीकरण होगा तो पूरा मार्केट, दुनिया एक मार्केट बन जाएगी, उसमें सारी चीजें अच्छी होगी। इसमें निम्न जीवन स्तर का कोई महत्व है नहीं, निम्न जीवन स्तर नहीं होगा, जीवन स्तर का उत्थान ही होगा अगर वैश्वीकरण होगा तो। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण है, अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब आप किसी मित्र से, किसी साहूकार से, किसी दुकानदार से, किसी व्यवसायी से, किसी भी असंगठित व्यक्ति से या संस्था से आप ऋण लेते हो, तो वह ऋण किस में आएगा, अनौपचारिक ऋण के अंतर्गत शामिल होगा। तो चाहे साहूकार से ले हो चाहे व्यापारी से, ये दोनों अनौपचारिक ऋण में है। अगर बैंक से ऋण लेते हो तो वो औपचारिक ऋण के अंतर्गत शामिल होगा, ठीक है। हाँ जी चलिए अगली बात करते हैं, यहां पर निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। देखिए राजस्थान विपणन बोर्ड की अगर आप साइट पर जाओगे तो आपको सारे कार्य वहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें कौन कौन से काम लिखे हुए राजस्थान विपणन बोर्ड की साइट पर मैं आपको बता देता हूं। मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना, किसानों को प्रशिक्षण देना, विपणन प्रणाली में सुधार करना, ये तीनों के तीनों काम किसके हैं, कृषि विपणन बोर्ड के हैं। लेकिन कृषि के जो उत्पाद हैं उनकी कीमत का निर्धारण कौन नहीं करेगा, कृषि विपणन बोर्ड कीमत का निर्धारण नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल सर क्या है, निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता, तो कोई व्यक्ति उधार लेने की व्यक्ति की शिक्षा जो है वो साख में शामिल नहीं होती है मेरे दोस्तों, लेकिन ब्याज दर शामिल होती है, संपार्श्विक प्रलेखन भी शामिल होता है और पुनर्भुगतान का तारीख भी शामिल होता है, तरीका जो है किस प्रकार पुनर्भुगतान किया जाएगा वो तरीका भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हम तो थोड़े से सवाल बचे हैं बस। देखो निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों से सम्मिलित नहीं किया जाता, तो उपभोक्ता अधिकारों में 6 अधिकार शामिल होते हैं टोटल मिलाकर, है ना, 6 अधिकार उपभोक्ता अधिकारों में शामिल किया जाता है, जिसमें से आपको 4 दिए गए जिसमें से एक गलत है। सुरक्षा का अधिकार है, सूचित
होने का अधिकार है, चैन का भी अधिकार है, लेकिन आपको बोलने का अधिकार नहीं है, समझ गए ना। आपको सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, आपकी सुनवाई होगी कहीं पर, लेकिन बोलने का अधिकार इस अधिकारों में शामिल नहीं है। इसके बाद है मेरे दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राथमिक आने का, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई थी, समुद्र पार करके भारत में व्यापार करने आई थी, और यहां आने के बाद उनके क्या है उद्देश्य बदल गए, तो समुद्र पार व्यापार में लाभ कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था जब स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगला सवाल है, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है, तो विषयी जो उपागम है, डिसिप्लिनरी उपागम जो है वो इसमें परंपरागत उपागम में शामिल है। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है, तो परिकल्पनाओं का निर्माण करना समस्या समाधान के अंतर्गत आता है। पहले परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, बच्चों को दी जाती है परिकल्पनाएं, बच्चे उनका क्या करते हैं, फिर अलग अलग तरीके से समस्याओं का समाधान करते हैं। फिर शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं, मनोरंजनात्मक शैक्षणिक कार्यों में एक रसता उत्पन्न करने के लिए जो है वो क्या की जाती है, यानी वो कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो मनोरंजनात्मक उद्देश्य उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। फिर लिखा है राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टि बाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने का प्रयास NCERT द्वारा किया गया है। फिर यहां पर लिखा है इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है, तो क्रियात्मक पक्ष में सृजनात्मकता, यानी बच्चों को कोई काम आप करने को दो तो वो सृजनशीलता का प्रयास करेंगे बच्चे, क्यों नहीं करेंगे। अगर बच्चों को आप कहा जाए कि सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ या फिर इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ हमको ये क्या करना है, मॉडल बनाना है, तैयार करना है, तो क्रियात्मक में क्या है जो काम बच्चे कर सकते हैं, तो उससे उनकी सृजनात्मकता में भी क्या होगा, विकास आएगा, ठीक है। इसके बाद में अगली बातचीत अगर हम करें आपसे, तो यह है मॉरिसन द्वारा दिए गए बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखिए। जो मॉरिसन ने 5 क्रम बताए थे, बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने भी, आपको पता है हर्बर्ट ये 5 जो विधि बताई, उससे पहले मॉरिसन का देखते हैं, मॉरिसन द्वारा दिए गए बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में क्या है। बोध स्तर में आपने पढ़ा होगा सबसे पहले इसके अंतर्गत अन्वेषण है, अन्वेषण के बाद उसका प्रस्तुतीकरण करो, प्रस्तुतीकरण के बाद उसका वर्णन करो बच्चों के सामने, वर्णन करने के बाद आप परिपाक करो उसका, और उसके बाद में बच्चों के सामने क्या कर दो उसमें परिपाक और व्यवस्था, पहले व्यवस्था और फिर परिपाक, यानी 3, 1, 2, 4, और 5 इसका सही जवाब होगा। इसके बाद में है सबसे आज में आपके पास सवाल आया है कि हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषयी उपागम के स्थान पर, यानी एकीकृत उपागम जो है वो किसके स्थान पर, विषयी उपागम, एक पर्टिकुलर विषय नहीं, सब विषयों को एकीकृत करके पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी बात इसमें कही गई है। इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है, सचिव जो है वो सामाजिक अध्ययन एक क्लब होता है, वो क्लब बनाए जाते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड रखने का काम किसका है, सचिव का है, ठीक है सर। परियोजना विधि अभी 2-3 बार आ चुकी है भाई, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पेपर में भी आई, अलग अलग विषयों में परियोजना विधि के चरण को व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले क्या होता है परियोजना विधि में परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, परिस्थिति उत्पन्न करने के बाद उसका चयन होता है और उद्देश्यों का निर्धारण होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद आप उसकी योजना बनाओ, योजना बनाने के बाद योजना का क्रियान्वयन करो, क्रियान्वयन करने के बाद योजना का मूल्यांकन करो, मूल्यांकन करने के बाद योजना का लेखा जोखा करो, ये इसके एकदम सही है और ये कम से कम 4-5 बार सवाल आ चुका है अलग अलग सब्जेक्ट के विषयों में। अगला सवाल आपके सामने जो मैं रखने जा रहा हूं वो है आपका ये सवाल, यहाँ 135 में लिखा है शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है, राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास और संविधान, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय एकता जो है वो इतिहास से जुड़ी हुई है, ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो है वो भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र से जुड़ी हुई है, औद्योगिक विकास जो है वो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से जुड़ा, और संविधान जो है वो नागरिक शास्त्र से जुड़ा हुआ है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, बोरिंग इसका सही जवाब है, यानी बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, देही की आवश्यकता सबसे पहले है, देह की आवश्यकता पूरी करो, उसके बाद बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है। इसके बाद निम्न में से कौन सा तत्व है अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, संवेद जो है वो अभिप्रेरणा के चक्र में शामिल नहीं है, और आपको पता है यानी IND यानी सबसे पहले आवश्यकता है, आवश्यकता के बाद प्रोत्साहन है, अंतर्मोद है, ये सब चीजें इसमें आती है। पावलाव द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसे इंगित करता है, तो
जो घंटी की आवाज है वो आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करता है। किस प्रकार, यहां पर लिखा है किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सार्वधिक प्रभावी हैं, ठीक है, यहां पर लिखा है किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सार्वधिक प्रभावी हैं, तो यहां पर विपरीत जो है वो आपके एकदम सही होंगे। चलिए, विलंबित जो प्रकार के अनुबंध हैं वो अभिप्रेरणा के लिए सार्वधिक क्या है, उपयोगी है। अगला सवाल सर क्या है, जरा देख, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। सही बात है, सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। तो सीधा और उल्टा हाथ का स्थानांतरण जो है वो बच्चों के बीच में होना एक क्या कहलाता है, द्विपार्श्विक क्या कहलाता है, अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। हाँ जी, इसके बाद में है अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है। ये अति सक्रिय प्रवृत्ति का होता है, सांवेगिक अस्थिरता उसमें होती है, अवधान में उसमें कमी होती है, तो ये सभी इसके सही जवाब है। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना जो है वो हम नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर क्या करते हैं, सीखते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएक्सटी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, आप सभी इस बात को जानते होंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सर यहां पर शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी है, तो नर्तक होना, वो उसके शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है। तो यहां पर नर्तक जो होता है उसमें सर्वाधिक क्या होती है, शारीरिक गति उसमें उत्पन्न होती है। जोखिम पूर्ण अवशिष्ट कौन सा है, तो देखिए पशु कचरा और कीटनाशक इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, जानवर का गोबर और पौधे भी नहीं है, और यहाँ पर बैटरीज और पेड़ों की पत्तियां नहीं है, लेकिन जो भी आपके पास में बैटरी है, पेंट है, सॉल्वेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा पर्यावरण को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और जोखिम पूर्ण अवशिष्ट के अंतर्गत शामिल है। एक पेटाबाइट जो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं, तो दो प्रकार के रूलर जो है वो एमएस वर्ड में काम आते हैं। यहां पर है एक डेटाबेस में एक SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है, उसका नाम है ड्रॉप इंडेक्स। क्या आता है, ड्रॉप इंडेक्स, वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह ड्रॉप इंडेक्स कहलाता है। इसके बाद अगली बातचीत करें तो केस मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करता है। जो केस मेमोरी होती है वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में किसका काम करती है, बफर के रूप में काम करती है। ये तो हो गए आपके 150 सवाल कंप्लीट, यानी 150 सवालों का जो मामला था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इस 150 सवाल में से 100+ जिस बच्चे के हैं वो मुख्य धारा में शामिल है, मुख्य धारा में वो क्या है भैया, शामिल है। बाकी सब बातें आपसे विस्तार से बाद में की जाएगी, तो 100+ जो भी बच्चा इसमें है वो मुख्य धारा में शामिल है, मुख्य धारा में है ना, बीपीएल कैटेगरी से बाहर आ गया है वो, अब मुख्य धारा में उसको शामिल कर दिया गया है। तो आप सभी मित्रों को इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला पेपर लेकर भी हम हाजिर होंगे आप सभी के सामने, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को मैंने बता दिया है जिन भी के इतने सवाल हैं, बहुत छानबीन कर और सभी ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से आपके सामने उत्तर रखने का प्रयास किया गया है, फिर भी कोई मानवीय त्रुटि हो जाती है तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।